यहाँ से काफ़ी समय आज मज़ा एंजॉय किया। मैंने बाइक आगे खड़ा करके रखा हुआ है, अभी बाइक लेकर के यहाँ से वापस जाएंगे। बट जो भी यहाँ का फॉरेस्ट नेचर सब कुछ इज एवरीथिंग इज ओके। आप यहाँ पे एक चीज़ है, जो भी गंदा करोगे ना, अब वहाँ पे फेंकने के लिए एक जगह रखा हुआ है। देखो ये नदी, देखो कितना खूब नज़र आ रहा है यहाँ से। वाह, और यहाँ पे ये डिंगे पे ये लोग यहाँ से कुछ उठा रहा है। यहाँ पे पानी है, यहाँ पे गाड़ी उड़ी घुसा हुआ है, आपको सब कुछ नज़र आ रहा है यार। क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, बट यहाँ का व्यूज़ देखिए यार, काफ़ी मज़ा आ रहा है। बड़ा मज़ा आया मुझे ये देख के। और ये नदी का नाम है रायडक 2। आज मैंने प्लानिंग किया है जाने के लिए चामर्ची भूटान। चामर्ची या फिर कहाँ पर मैं जाऊँगा भाई, पसाका भूटान। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा पसाका भूटान। तो पसाका भूटान यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। मैं अभी इस वक्त हूँ बारोविसा में। बारोविसा से लगभग 17 किलोमीटर होगा पसाका। पसाका से भी ज़्यादा होगा थोड़ा सा, 20 किलोमीटर चलो पकड़ लो। तो आज मैं आप लोग को लेके जा रहा हूँ पसाका भाई। इस वीडियो को कंटिन्यू करूँ, मज़ा आएगा। मज़ा तो हर वीडियो में आता है। मेरा वीडियो को लाइक भी करना यार, शेयर भी करना, उनके बाद में सब्सक्राइब करो यार, क्यों नहीं करते हो आप लोग। पैसा नहीं लगता यार, फ्री में आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आ चुका हूँ बारोविसा। यहाँ पे कुछ काम तो नहीं है, यहीं पे हम थोड़ा खड़ा हो लेते हैं। थोड़ा यहाँ से जाना होता है। क्या यही है शायद, आई डोंट नो कौन कहाँ पे है क्या नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। बस मुझे रास्ता पता है, यहाँ से सीधा निकलना होगा। कोई दुकान में मैं खड़ा हो लेता हूँ, पहले कुछ सामान खरीद लेते हैं खाने पीने के लिए, नहीं तो वहाँ पे भूख लग गया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मैं अभी पहुँचा हूँ चेंगमड़ी, और यहाँ से 10 किलोमीटर है कुमारग्राम। मैंने अभी माइलेज बोर्ड देखा, पता भी है कि ये रोड से भूटान जाया जाता है, खालीकोला भूटान। वहाँ पे पिकनिक स्पॉट है, एक समय में बहुत ज़्यादा फेमस था पिकनिक स्पॉट, बट आज भी है शायद। आज जाकर के देखेंगे लोग वहाँ पे आए हुए हैं कि नहीं। अभी मुझे एक माइलेज बोर्ड मिला जहाँ पे लिखा हुआ है कुमारग्राम 5 किलोमीटर। यहाँ से रोड और भी निकला हुआ है, कहाँ जा रहा है भाई, प्रधानमंत्री गरम सड़क। एक डैना है और एक बाया है, मैं जाना है डैना। देखो कुमारग्राम, बिरसा मुंडा का स्टेचू, और यहाँ पे कोई गोरखा भाई का स्टेचू। यहाँ पे चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट में मैंने एंट्री कराया। एंट्री कराने के बाद में अभी 2 बजे तक ही खाली रहता है, ऑलरेडी 2:30 बज गया, 10 मिनट बचा है मुझे भूटान एंट्री करने के लिए। अगर मैं लेट हो जाता हूँ तो मुझे भूटान एंट्री करने के लिए नहीं मिलेगा। मुझे फिर भी वहाँ पे 2 बजे से पहले पहुँचना है, तभी मुझे वहाँ पे एंट्री मिलेगा। और ये नदी यहाँ का, ये नदी कभी भरपाई नहीं होता है, ऐसे ही रहता है। बट खाली खोला का हालत ये है आजकल, यहाँ पर कोई पिकनिक कुछ नहीं होता है, पानी तो सूखा हुआ है। मुझे दूर से टोंगर दिख रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। सवेरे गया था होगा कुछ लोग, वहाँ से गाड़ी आते हुए। यहाँ पे फिर से गांव है क्या, इसे लग रहा मुझे, क्योंकि मैं अभी तक तो भूटान पहुँचा नहीं हूँ। अब मैं हूँ रॉयल भूटान पुलिस, यहाँ पे इमिग्रेशन चेक पोस्ट वगैरह है। यहाँ पे आपको ओरिजिनल वाला वोटर कार्ड दिखाना पड़ता है, दिखा करके आप अंदर जा सकते हैं, ठीक है। और मार्क्स इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे जाना पड़ेगा, उनके बाद में फिर से ये वाला पे एंट्री करना पड़ेगा। और मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट मार्क्स आप यहाँ से एंट्री नहीं कर पाओगे। आपको पहला एक चेक पोस्ट मिलता है इन लोगों ऊपर में, वहाँ पर बताया जाएगा आपको कि कैमरा अलाउड नहीं है। तो मैं वहाँ से कैमरा खोल दिया था, और यहाँ पे आकर के मैंने फिर से पूछा और लगाया कि कैमरा अलाउ है कि नहीं भूटान पुलिस से, और इसने बताया कि अलाउ है। मैं अभी फाइनली भूटान पे आ चुका हूँ, और आप भूटान का खूबसूरती यहाँ पे इस तरह से देख सकते हो। आप अगर फुलचिलिंग से घूम रहे हो तो वहाँ से अलग आपको दिखेगा, थोड़ा सिटी टाइप दिखता है, टाउन टाइप दिखता है, बट यहाँ थोड़ा अलग ही दिखता है। यहाँ पर लगभग ये जो भूटान दिख रहा है सारा इंडिया के जैसे ही दिखता है, मतलब हिल में नहीं है, प्लेन में है भूटान का ये हिस्सा। और ये मेरे लिए अननोन प्लेस रहेगा यार, कहाँ कहाँ क्या है नहीं है। बट पहले मैंने पूछा कि फॉरेस्ट रेंज, ये भूटान का फॉरेस्ट रेंज वगैरह है, यहाँ पे विलेज भी है। वाह, भूटान में सुपारी का पेड़ इंडियन का जैसा घर जैसा बना हुआ है यार। शायद यहाँ पे कुछ स्कूल वगैरह होगा, बट यहाँ पे जितना भी घर हो सब भूटान मॉडल में है। लोग बच्चे लोग यहाँ पे देखो,
आप ये सब प्लेस घूम सकते हो आकर के। पूरा इंडियन जैसा घर ही मिलेगा शायद, लग रहा है कि यहाँ पे इंडियन ही ज़्यादा हो। यहाँ पे देखो भूटान का कार वगैरह है। गांव में आ गया, कौन सा चमर्ची नहीं, देखो दुकान है यहाँ पे। आप और भी आगे जा सकते हो, दुकान छोटा सा गांव है बट क्यूट है। और आगे बड़ा सा पहाड़, यहाँ पे देखो खेती बाड़ी हो रखा है इन लोग का। यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा यार कि मैं भूटान में हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं अभी भी इंडिया में हूँ, बट जब घर को देखता हूँ ना, ये सब भूटान से नहीं इंडिया से है, जब मैं घर को देखता हूँ ना यहाँ का, तब ही याद आता है नहीं यार मैं भूटान में आ गया हूँ। ये सब देखो सभी इंडिया का जैसा ही है, सिर्फ घर को छोड़ के एक एक घर है जो इंडिया का मॉडल में आपको घर मिल जाएगा। देखो वो सब काट का घर। भूटान का गाड़ी यहाँ पे अगल बगल में खड़ा हुआ है। ये देख काफी खूबसूरत सा है ये घर वगैरह, देखो भूटान का अभी बन रहा है, काफी खूबसूरत बनाता है ये लोग घर। और ये देखो इंडियन गांव मिलता है यार ऐसा, अभी भूटान गांव ऐसा मिलता है। मुझे तो हंसी आ रहा है बट जब भी बोल यार बहुत ही शानदार है। अगर ये भूटान नहीं घूमे हो ना यार, घूमने के लिए आ जाए यार, प्लीज़ ये भूटान घूमो। सवेरे 10 बजे आना, 2 बजे लगभग वहाँ से 2:30 बजे तक यहाँ पे लास्ट एंट्री, 2:30 बजे के बाद में आपको एंट्री नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखो घर वगैरह, वहाँ पर ऊँचाई पे घर। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ जिसमें आप लोगों को घुमा रहा हूँ रास्ता। ऊपर ले जाके मैं अभी नीचे का व्यू दिखाऊंगा। ये यहाँ का भूटान, ऊपर चलते हैं और ऊपर से नीचे का व्यू देखते हैं, मज़ा आएगा। इन लोगों को गुम्फा वगैरह यहाँ पे है, घर ही होगा या फिर कुछ और होगा। वाह क्या मज़े का है यार, स्वीट 40 ओनली। अभी पहाड़, अभी मुझे पहाड़ चढ़ने के लिए मिल रहा है। पता नहीं ये रोड कहाँ पे जा रहा है और ऊपर में जाके, मुझे नहीं पता बट फॉलो करेंगे। ये गांव तो मुझे बहुत बेहतरीन लगा, शायद ऊपर भी और ऊपर नीचे वो देखिए यहाँ से भूटान का घर दिख रहा है। काफी प्रॉपर्टी है इन लोग का, पर्सनल प्रॉपर्टी होगा इधर में। देखो खाली खोला भूटान कहते हैं इसे, सुपारी का पेड़। और यहाँ का पुलिस जितना भी था ना सभी लड़का था यार, मतलब कम उम्र का मेरे जैसा। अच्छा लगता है ऐसा पुलिस दे करके, और हमारा इंडिया का बूढ़ा और सभी हेल्पफुल है, मतलब होगा नहीं होगा एक ही बार में बोल देता है। घुसते ही आपको HP इंडियन पेट्रोल पंप मिलेगा, आप यहाँ से पेट्रोल भरा सकते हैं, कम में मिलता है। ड्रंक पेट्रोल पंप यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे पेट्रोल शायद नहीं है, शायद डीजल घुसाया जा रहा है अभी, पता नहीं। जो भी यार यहाँ से आप लोग भरा सकते हैं पेट्रोल, कम दाम में मिलता है इंडिया से तो। अंकल आगे कौन सा जगह मिलता है घूम, अब भूटान का आगे कौन सा जगह मिलता है? ब्रिज है ना वो ब्रिज, हाँ। कितना दूर है यहाँ से, कितना दूर है? 1 किलोमीटर होगा ना, ठीक है, थैंक यू। तो ये लोग यही क्या है, इन लोग को प्रॉपर हिंदी आता है यहाँ से, क्योंकि नेपाली और हिंदी ये लोग ज़्यादा बोलते हैं। आगे ब्रिज है,
कौन सा ब्रिज है, बट काफ़ी खूबसूरत है। 1 किलोमीटर का दूरी पे वो ब्रिज हम देख करके आएंगे आज। और रास्ता ऊपर है ना नीचे पता नहीं चल रहा है, नीचे वाला ही होगा, कोई बैठे हुए पोज दे रहे हैं बच्चे लोग, खाते का बोल के डर गया है। ये ब्रिज मुझे काफ़ी खूबसूरत सा लगता है और आइंदा ये ब्रिज में मत आना, आना यार आ जाओ ये ब्रिज में, काफ़ी खूबसूरत है। देखो मज़ा आ रहा है अभी भी ये ब्रिज में। काफ़ी लोग हैं यहाँ पे घूम रहे हैं, नदी है, अच्छा लगा। यहाँ पे आप 4:30 बजे तक यहाँ पे वेट कर सकते हैं। अभी भूटान में कौन सा नदी है पता नहीं, और एक नदी है यहाँ पर राडक नदी, बट वहाँ पे बता रहा है कि जाने के लिए नहीं, फाइनली हम यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ का व्यू जो है कुछ इस तरह से है, कौन सा नदी है मुझे भी नहीं पता, बट हम नीचे जा सकते हैं यहाँ से। तो देख स्टील ब्रिज है यहाँ का सभी, थोड़ा बाद में हम नीचे चले जाएंगे। फिर यहाँ से ये ब्रिज का बड़ा बड़ा खंभा, यहाँ से व्यूज़ तो नहीं है बट अच्छा है। अभी नदी में जाकर उतरते हैं थोड़ा। पिकनिक भी खा रहे हैं आप, ये देख कहाँ से आप लोग, कहाँ से? बारहवीं से। बारहवीं साल, चलो लोकल ही आप। आज पहले बार आए हो क्या? पहले बार। ये लोग इधर से बारह विशा से, मतलब यहाँ से 30 किलोमीटर दूर से। क्या नदी जाने के लिए देता है, आगे आगे जाने के लिए देगा कि नहीं? देगा नहीं, देगा ना, वहाँ तक लास्ट है और वहाँ से इंडिया अलाउड, इंडिया वाला अलाउड नहीं है। हाँ से देगा। किधर से हो आप? मैं हूँ वेस्ट बंगाल, मैं जयगांव से। जयगांव से? जयगांव पता है? हाँ। उधर भूटान का बगल वाला, उधर से इतना दूर? हाँ इधर घूमने के आ गया, उधर भी भूटान घूमते, इधर भी घूमने के लिए आ गया ना, अच्छा लगता है। आप लोग का, आप लोग इंडिया से ना भूटान से? भूटान से। आप लोग का कंट्री अच्छा लगता है, आगे जाने के लिए नहीं देता है? नहीं देता ना, इंडिया वालों को इतना ही तक, आप लोग को तो जाने के लिए देता है। भूटान के रूल है, खतरा है। खतरा है? अच्छा है। आप लोग का घर किधर है? वो कोई कौन सा गाँव है वो? हम गाँव। हम ना हम हम गाँव, बहुत खूबसूरत है ना। पैदल आया वहाँ से? हाँ। नाम क्या है आपका? राम कुमार। आपका? समीर। राम कुमार और समीर, अच्छे। अपना टाइम आएगा देख भाई। अपना टाइम आएगा, इंडिया का ये इंडिया का है पता है। अपना टाइम आएगा। चलो अच्छा अच्छा लगा मिलके। कौन सा क्लास में पढ़ा करते हो? मैं 7 5 5। वहीं पे है ना स्कूल? हाँ। अच्छा ठीक है, कभी कभार जगह घूमने के लिए आ जाना उधर से। आपका नाम क्या है? आशीष प्रधान। ओ नेपाली हो? हाँ। सब पे नेपाली? सब पे नेपाली। ओ ठीक ही छा। अनि कहाँ जाते से आया तेरा? सुंतलाबाड़ी। सुंतलाबाड़ी? सुंतलाबाड़ी। सुंतला संतला छ त्यहाँ? छैन छैन। नाम मात्रै? नाम मात्रै सुंतलाबाड़ी। ओ ओके ला, थैंक यू ला। यार अपना पिकअप में गाड़ी आ रही है, तो ये बच्चे लोगों से बात किया यहाँ पे, इन्होंने कहा कि आगे जाने के लिए नहीं देता है, कि इन लोग को भी रूल्स पता है। और इन लोग फम जो है वहाँ पे, फम गांव है वहाँ पे आ सकते हो। अभी क्या करेंगे हम भी यहाँ से, वो यहाँ से काफ़ी समय आज मज़ा एंजॉय किया, मैंने बाइक आगे खड़ा करके रखा हुआ है, अभी बाइक ले करके यहाँ से वापस जाएंगे। और जो भी यहाँ का फॉरेस्ट नेचर सब कुछ इज एवरीथिंग इज ओके। आप यहाँ पर एक चीज़ है, जो भी गंदा करोगे ना अब वहाँ पर फेंकने के लिए एक जगह रखा हुआ है, देखो वहाँ पर गंदा फेंकना है, कहीं पे लीटर नहीं करना है। देखो हमारे इंडिया होता तो यहाँ पे बहुत सारा प्लास्टिक प्लास्टिक फेंका पड़ा हुआ रहता, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको डस्टबिन में डाल करके जाना है। कौन सा ब्रिज है भाई?
ये ब्रिज का नाम कौन सा है? संपंग। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ संपंग ब्रिज, और यहाँ पे वो गांव का नाम फार्म हाउस, फार्म गांव ना, वो फार्म गांव है जहाँ से मैं आया, और यहाँ पे मैं संपंग ब्रिज में खड़ा हूँ। और आगे जाएंगे तो हमें और एक ब्रिज मिलता है, तुरतुरीना रायडक, रायडक ब्रिज मिलता है, बट यहाँ से हमें अलाउड नहीं है, हमें यहीं तक अलाउ किया गया है। अभी हम यहाँ पे ढेर सारा मज़े किया, भाई लोगों से बात किया, यहाँ पे छोटे छोटे भाई यहाँ पे पढ़ते हैं संपंग गांव से, नहीं सॉरी फार्म 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 वहाँ से है, बट बहुत ही अच्छा बहुत ही खूबसूरत गांव है, आप आकर के विजिट कर सकते हो, वन नाइट स्टे भी कर सकती है, और नेचर व्यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा है यार। और ये ब्रिज जो है काफ़ी अच्छा लगा, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो और भी मज़े करेंगे। और आना चाहते हो यहाँ पे कैसे आना है मैं आपको बता दिया, पहले बारहबिसा से आप यहाँ तक आ सकते हो, बारहबिसा से सीधा घुस करके, बारहबिसा से कुमारग्राम, कुमारग्राम से यहाँ, ऐसा अमेजिंग प्लेस में हम आ चुके हैं, विश्वास नहीं होता कि आज यहाँ पे हम आ पहुँचेंगे। मेरा पीछे ये तीन कलर वाला पहाड़ दिख रहा है, ब्लैक एस एंड थोड़ा